हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम फिरदौस खानम फ्रॉम पीसीसीबी डिवीजन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंप्लीट करा। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ मेटल्स कंप्लीट किए थे, देन हमने नॉबल जो मेटल्स हैं उनके यूजेस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नॉन मेटल के क्या क्या यूजेस होते हैं। उसमें से कुछ मेटल्स मैंने यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स मैंने आपको मेंशन की हुई है। जैसे कि हमारी फर्स्ट नॉन मेटल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम जानते हैं कि आप कहाँ का यूज़ करते हो, जैसे कि जो मैच बॉक्स जो होता है उसके अंदर फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस जो है दो फॉर्म्स में, दो एलेट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो जो वाइट फॉस्फोरस है ये काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है ना, और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो हमारी मैच स्टिक होती है जलाने के लिए उसका जो टिप होता है वहाँ पर हम इसको वाइट फॉस्फोरस को मिक्स करते हैं किसके साथ, सल्फाइड के साथ। और जो कंपाउंड बनता है हमारा उसे मैं यहाँ पर बताती हूँ। सल्फाइड के साथ हम जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा ट्रेट्रा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि फॉस्फोरस के यूजेस होते क्या हैं। ठीक, तो फॉस्फोरस इज यूज इन मैच बॉक्स, रेड फॉस्फोरस इज यूज इन मेकिंग स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्सेस। दैट मीन्स जो हमारा मैच बॉक्स होता है जिसमें हम स्ट्राइक करते हो इस तरह से, तो जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है वो हमारा किससे बना हुआ होता है, रेड फॉस्फोरस से। ठीक है, एंड जो वाइट फॉस्फोरस है हमारा वो क्या करेगा, सल्फाइड के साथ एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं टेट्रा फॉस्फोरस। टेट्रा दैट मीन्स फोर, फॉस्फोरस दैट मीन्स पी, ट्राई दैट मीन्स थ्री, एंड सल्फाइड दैट मीन्स एस। ठीक है, तो ये ट्राई फॉस्फोरस तो पूरा कंपाउंड जो हमारा है टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड मिलकर के हमारा जो मैच स्टिक जो होती है उसका आगे का टिप बनाता है, और ये टिप जब स्ट्राइक होता है किसके ऊपर, रेड फॉस्फोरस के ऊपर, तो ये जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वाइट फॉस्फोरस जो है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो है ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला पॉइजनस कंपाउंड होता है, जिसका यूज़ हम किसको बनाने के लिए करते हैं, रेट्स को, चूहों को मारने के लिए करते हैं, और इसको हम रेट पॉइजन्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाइट जो फॉस्फोरस है इस ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिलिट्री ग्रेनेड्स एंड बॉम्ब्स। जो बॉम्ब्स होते हैं और मिलिट्री में जो ग्रेनेड्स आप जानते हैं ना, इस तरह से वो माउथ से उसको के बाहर निकाल के इसे फेंकते हैं, तो वो ग्रेनेड्स होते हैं जो फट जाते हैं, बॉम्ब्स होते हैं। ठीक है, तो जो मिलिट्री ग्रेनेड्स से वो भी किससे बने हुए होते हैं, वाइट फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। ठीक, अब हमारे आगे जो हमारे पास जो नॉन मेटल्स है वो सिलिकन है। सिलिकन क्या होता है, ये मेटल रॉड्स के अंदर आती है। दैट मीन्स ऐसी मेटल जिसमें थोड़े जो हैं कैरेक्टरिस्टिक किसके होंगे, मेटल्स के होंगे, थोड़े किसके होंगे, नॉन मेटल्स के होंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ये सेमी हम इसको बोलेंगे, है ना। दैट मीन्स इसके कैरेक्टर थोड़े थोड़े उससे मेटल से मैच होंगे और थोड़े नॉन मेटल से मैच होंगे, तो ये सेमी कंडक्टर की तरह भी यूज़ में आती है। ठीक, अब हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि सिलिकन का यूजुअली यूज़ कहाँ होता है। ठीक, तो इसका यूज़ होता है प्योरीफाइड जो सिलिकन है इज़ यूज फॉर द बैकिंग सोलर सेल। जो सोलर सेल बने हुए होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सिलिकन से। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेमी कंडक्टर की तरह वर्क करता है, इसलिए जो सेल्स वगैरह हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। सिलिकन चिप्स वगैरह कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है ना, तो ये सब इसका यूज़ होता है। सिलिकन का जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, कंप्यूटर जो चिप्स है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ अगर हम देखें तो कंपाउंड ऑफ सिलिकन आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल, इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम्पल, वेरी यूजफुल कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे इसके, देखो यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल्स की फॉर्म में तो हमको क्या मिलता है, पहली बात तो सिलिका मिला। सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है, SiO2। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, सिलिका का यूज़ जो ग्लास है और जो सीमेंट है उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है कार्बोरेंडम, यानी कि SI जो कार्बन के साथ मिलकर के कार्बोरेंडम का फॉर्मेशन करती है। ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को, दैट मीन्स कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स, जो टूल्स होते हैं ना उसको कटिंग करने का, ग्राइंड करने का काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिलिकन पॉलीमर्स कॉल्ड सिलिकॉन्स। सिलिकन से बने हुए जो पॉलीमर्स है वो क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन्स कहलाते हैं, है ना। और ये जो सिलिकॉन्स है विच आर हीट रेसिस्टेंट, ये कैसे होते हैं, हीट रेसिस्टेंट होते हैं एंड वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स सिलिकॉन्स जो हैं वो ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे टूल्स बनाने का काम करेंगी जहाँ पर हमें वाटर रेसिस्टेंट की ज़रूरत है और हीट रेसिस्टेंट टूल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलिका के एंड फॉस्फोरस के कुछ यूजेज हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी फर्दर नॉन मेटल्स की यूजेस की तरफ, जैसे कि हैलोजन्स हैं। हमारे पास कौन कौन से हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यूजेस। ठीक है,
तो हम लेट्स मूव टूवर्ड्स आर अदर्स यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट नॉन मेटल होगा वो कौन सा होगा? क्लोरीन्स. क्लोरीन की यूजेस देखो, क्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया जाता है ना, इसका यूज ड्रग इंडस्ट्री में या मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर होता है. ठीक, क्लोरीन जो है वो जर्म्स को किल करने का काम भी करती है, दैट्स मीन डिसइंफेक्ट ये होती है, डिसइंफेक्ट करती है वाटर को, स्विमिंग पूल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है ना. फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है उसका यूज़ एसी वगैरह में होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है, जिसको फ्रियोन हम कहते हैं, है ना. ये फ्रियोन क्या करता है, ये फ्रियोन जो है आपने सुना होगा, जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो है हमारी, उसको ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर O3, उसको ये लगातार क्या कर रहा है, वीक करता रहता है ना, क्योंकि फ्रियोन बहुत इफेक्टिव होता है और ये क्या करता है ऊपर जा करके ओजोन के ओजोन जो है लेयर उसके अंदर उसको थिन करने में लगा हुआ है ना. उससे क्या हो रहा है, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन की, जिसको ओजोन लेयर रोक लिया करती थी, वो हम तक पहुँचना स्टार्ट हो गई है. ठीक, तो हम जो नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैं उसकी यूजेज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम किसके पढ़ेंगे, ऑफ यूजेज ऑफ फ्लोरीन. ठीक, तो फ्लोरीन का फर्स्ट हम यूज लिखेंगे द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन सच एज फ्रियोन. फॉर्मूला होता है इसका CCl2F2 is used in, कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको, जो हमारे फ्रीजे हैं रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, यूज्ड इन फ्रीजेस, हमारे फ्रिज के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो फ्लोरीन है उसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है. देखो, फ्लोरीन जो है इसका यूज़ हम करते हैं क्रायोलाइट, जो आपने सुखा होगा, क्रायोलाइट का क्या काम होता है, ये क्या करता है, एलुमिना जो होता है उसमें से ये एल्यूमिनियम मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है उसका, दैट मीन्स हमें वहाँ से प्रोड्यूस करता है. क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6. ठीक है, तो क्रायोलाइट विच इज Na3, विच इज़ हमारे Na3AlF6, another compound of fluorine is used in electrolysis of molten alumina, which is क्या होता है alumina, Al2O3, to produce aluminium. means मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं कंबाइंड फॉर्म में या फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो इनकी कंबाइंड फॉर्म में मिनरल्स या ओर्स होती है. ठीक है, उसमें से हम इनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. तो जो एल्यूमिना है वो Al2O3 इसकी ओर है, इसमें से हमको क्या ऑप्टेन होता है, एल्यूमिनियम. किसकी हेल्प से ऑप्टेन होता है, हमें क्रायोलाइट की हेल्प से. ठीक है, अनादर हम इसका यूज़ अगर देखें तो देखो, दो यूजेज आपको अच्छे से याद हो गए होंगे. फ्लोरीन कंपाउंड जो होता है ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है एंड वुड प्रिजर्वेटिव ये होता है. इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में करेंगे. इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइडर एंड एज वुड प्रिजर्व वेटिव्स.
ठीक है। तो ये यूजेस थे हमारे किसके, फ्लोरीन के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो नॉन मेटल है उसकी तरफ, वो है हमारी क्लोरीन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या यूजेस होंगे। क्लोरीन जो है, क्लोरीन कैसी होती है, इसका यूज़ क्या होता है, अच्छा जम्स से उनको किल करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का जो क्लोरीन है उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में भी करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल्स के अंदर इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्लोरीन इज, क्लोरीन इज यूज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। ठीक, सेकेंड इट किल्स जर्म्स ऑफ वाटर। थर्ड, क्लोरीन से क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अभी जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कहाँ का यूज़ होता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे कॉटन्स हैं या जो अदर जो प्लांट्स के जो मिलने वाले जो हमारे क्लोथ्स हैं उनको ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखो ना ड्राई क्लीन के लिए हम जो है कपड़े डालते हैं तो क्या होता है, वो ड्राई क्लीन करके हमारे पास आते हैं, उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन इज़ यूज, क्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एज डिसइंफेक्ट, एज डिसइंफेक्ट फॉर स्विमिंग पूल्स। ठीक है, ये हमारा क्लोरीन। अब हम आगे देखते हैं हमारा ब्रोमाइड। जो ब्रोमाइड है उसका क्या काम होता है, ये जो ब्रोमाइड है ये क्या काम करता है, सिल्वर के साथ इसका जो कंपाउंड बनाया जाता है जिसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फोटोग्राफिक जो प्लेट्स है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स जो सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, नर्व सेल, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का काम करती है। जैसे कि मैसेज कौन से, अगर हमें पिन चुभ गया, हमें दर्द हो रहा है, तो वो जो मैसेज जो ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएंगे, हमारे माइंड के अंदर जाएंगे, नर्व्स उसको लेकर जाती हैं। तो ब्रोमाइड जो है इस सब चीज़ों में काफ़ी यूज़फुल आयन की तरह हमारे बॉडी के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, दूसरा हम ये बात करें इसकी, तो जो इसका यूज़ जो कहाँ पर होता है, जो गोडाउंस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग गए हों तो उन इंसेक्ट को किल करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इस ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। इससे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे फ्यूमीजेंट बनाते हैं, इससे क्या होता है, ये एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा है ब्रोमाइड, सॉरी नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमाइन। इससे बनने वाला कंपाउंड हमारा ब्रोमाइड होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट यूजेस हम, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एथाइलीन डाई ब्रोमाइड विच एक्ट एज, किसकी तरह काम करेगा ये, जैसे मैंने आपको बोला था क्या काम करेगा, ये फ्यूमीजेंट की तरह काम करेगा, विच इज एक्ट
एज फ्यूमिगेंट फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स गोडाउन किसके होंगे, जैसे कि वीट है, हमारे सीरियल्स हैं, उनके अंदर जो इंसेक्ट लग जाते हैं वहाँ पर जो जहरीले जो कंपाउंड रखा जाता है जिससे इंसेक्ट वगैरह मर जाए वो कौन होता है, ये होता है ब्रोमाइड से बने हुए वो कंपाउंड होता है, इसका नाम है एथाइलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, दूसरा बात करें इसके यूजेस की, तो मैं फ्लोरीन क्लोरीन को मिटा देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम इसके यूजेस लिखेंगे, फर्दर यूजेस। नेक्स्ट यूज की मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, तो सेकेंड नंबर जो यूज है हमारे पास इसका क्या होगा, इट इज used in photographic plate। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, फोटोग्राफिक प्लेट में भी ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो ये सब यूजेस हैं हमारे पास किसके, ब्रोमीन्स के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हाँ एक हमारा बच गया, इट हैज नर्व शूटिंग इफेक्ट, दैट मीन्स ये क्या करेगा, मैसेज को कैरी फॉरवर्ड इजीली करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पर सिक्स नंबर पे कौन होगा, आयोडीन। ठीक, आयोडीन देखो हमारा जो सॉल्ट है जिसको हम खाते हैं उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, और आयोडीन का काम क्या होता है, ये हमारे अंदर क्या करता है, ये इससे हम आयोडीन जो है हमारे सॉल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा असेंशियल एक एलिमेंट है, बिकॉज इसका काम क्या होता है, हमारी जो थायरोक्सिल जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने का काम उसका होता है, वरना हमारी हाइट जो होती है वो बोनी रह जाएगी, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है हमारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। एंड एक हमारा जो गले में ग्वाइटर नाम का एक जो डिसीज़ है वो हो जाती है अगर आयोडीन हमें प्रॉपर वे में या प्रॉपर अमाउंट में ना मिल पाए तो। ठीक है, इससे एक और चीज़ बनती है आयोडोफोम, जिसका यूज़ कहाँ पे, जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे ही आयोडोफोम का फॉर्मेशन होता है, और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ड्रग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। उसके अलावा जो हमें जब चोट लग जाती है तो अल्कोहल जो होता है उसको आयोडीन के साथ मिला करके एक आपको लगाया जाता है टिंचर आयोडीन, जिसको लगाने के बाद आपको कूलनेस की फील होती है। तो टिंचर आयोडीन जो होता है वो क्या काम करता है, वो भी हमारे जो वुंड है उसके आसपास जो भी जर्म्स है उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट आयोडीन के यूजेस। फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग a solution with alcohol is called क्या बोलेंगे हम उसको, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, टिंक्चर आयोडीन। ठीक, नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर मैकिंग, किसको बनाने के लिए करेंगे हम इसको, आयोडोफोम इज यूज फॉर मैकिंग आयोडोफोम, जो कहां पे यूज होता है, जो कहाँ यूज होगा हमारा, इन ड्रग इंडस्ट्रीज, है ना, कहाँ यूज होगा ये, इन ड्रग्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो बस्ती है नॉन मेटल्स, देखो वो कौन कौन सी होंगी हमारे पास, अब कौन से नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में हम लिखेंगे नहीं, हम उसको समझेंगे। देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ही सस्टेन्ड एलिमेंट है, उसके बिना हम यहाँ बिल्कुल भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते।
इसका यूज़ जो होता है हाई टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए होता है, और ये हाई टेम्परेचर जनरेट होकर के इससे हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, ऑक्सी हाइड्रोजन टोर्च या ऑक्सी एसिटाइलिन जो टोर्च होती है उनके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। आपको पता है इसके अलावा ऑक्सीजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम कहाँ जाते हैं, या तो समुद्र की बिल्कुल गहराई में जाएँ, है ना, या फिर माउंटेन्स में बिल्कुल हायर एल्टीट्यूड के ऊपर हम जब चढ़ाई करने जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाते हैं। या ऑक्सीजन का यूज़ अगर हम देखें जो हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। हम इन तीनों मेटल्स नॉन मेटल्स के यूजेस क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये सारे नॉन मेटल्स के जो यूजेज हैं किसके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हो और पढ़ते भी हो, है ना, इसलिए इनको आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ है। नाइट्रोजन देखो क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक गैस है, 78% नाइट्रोजन होती है। और ये कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, ठीक है, इनर्ट गैस, दैट मीन्स ये इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, ऑक्सीडेशन से चीज़ों को बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन जिससे कि जो फूड मटेरियल्स हैं, पैकिंग जो फूड मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का, क्योंकि फूड मटेरियल जो पैक्ड फूड मटेरियल है जैसे कि चिप्स हैं, कुरकुरे, जो भी आप खाते हो, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है तो उनके ऊपर ऑयली सब्सटेंस चढ़ जाता है, आप बोलते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल से, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, और ऐसे फूड को अगर हम खा लें तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो नाइट्रोजन का यूज़ जो पैकेट से जो पैक्ड फूड है उसके अंदर किया जाता है, उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि अभी क्या करेगी, ऑक्सीजन इससे रिएक्ट नहीं करेगी, है ना, और हमारा फूड रैंसिड होने से बच जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जो बल्ब वगैरह जो हैं, बल्ब का जो फिलामेंट्स होता है वहाँ पर भी नाइट्रोजन को उसके साथ में डाला जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, बल्ब के फिलामेंट्स को फर्दर या अननेसेसरी ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन अगर कहीं से थोड़ी सी चली गई तो हमारा जो बल्ब है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक। मेटलर्जी जो होती है उसके अंदर मेटल्स जो होती हैं, मेटलर्जी दैट मीन्स मेटल्स को मिनरल्स या ओर में से सक्सेसफुली गेन करना, तो उसमें क्या होता है, मेटल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का वहाँ पे यूज़ करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में, ताकि जो मेटल्स हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमने देखा होगा ये जो काफ़ी कंबस्टिबल गैस होती है, जो सन आपको इतना ज़्यादा जलता हुआ दिखाई देता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन उसके सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है ना, इसलिए वो कंबस्टिव होती रहती है और हमें सन जो है जलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हम जो वेल्डिंग वाली जो गैस होती है एसिटिलीन, उसको प्रिपरेशन करते हैं, और ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को वेल्डिंग करने का काम ये करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो फूड मटेरियल्स होते हैं, सॉरी जो फैट्स जो होता है उसको ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट करता है, वनस्पति घी के जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये वनस्पति घी के अंदर। तो याद रखना हाइड्रोजन से क्या करवाया जाता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, और ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या करता है, वनस्पति घी को प्रिपेयर करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे नॉन मेटल्स के। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोरोजन और उससे कौन कौन सी मेटल्स अफेक्टेड होती हैं, कोरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन को रोकने के क्या क्या मेथड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।